आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है जेनेटिक एल्गोरिदम जैसे कि आपको नाम से ही सजेस्ट हो रहा होगा जेनेटिक यानी कि हम जीन से रिलेटेड जो कि एक बायोलॉजिकल टर्म है उससे रिलेटेड जो है इस एल्गोरिदम को इंस्पायर किया गया है तो जेनेटिक एल्गोरिदम जो है ये बेसिकली आपकी एक टाइप है ऑप्टिमाइजेशन एलगोरिदम की ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम क्या होती है ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है अब ऑप्टिमाइजेशन जो कि बहुत ही टेक्निकल टर्म नहीं है यूजअली जो है हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में जो है जहाँ पे भी हम उनको डिस्कस करते हैं हम ऑप्टिमाइजेशन टर्म का यूज़ करते हैं ऑप्टिमाइजेशन का मीनिंग होता है कि हमें किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज़ करना है यानी कि उसे टाइम एफिशिएंट बनाना है और मेमोरी एफिशिएंट बनाना है यानी कि उस प्रॉब्लम को हम कितना एफिशिएंटली, शॉर्ट रिसोर्स में कम रिसोर्स में सॉल्व कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन या फिर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, अगर हम उस रिसोर्स को एल्गोरिदम में यूज़ करते हैं तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया जेनेटिक एल्गोरिदम जो है ये बेसिकली आपके इंस्पायर्ड की गई है या फिर इनहेरिट की गई है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जैसे कि जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है जहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन होता है वहाँ से जो है ये हमारी जेनेटिक एलगोरिदम को इंस्पायर किया गया है अब वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है ये बायोलॉजिकल इवोल्यूशन है हमारा रिप्रोडक्शन का जिस तरीके से ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं न्यू बेबीज़ को तो वहाँ पे जो नेचुरल सेलेक्शन का प्रोसेस यूज हो रहा होता है उससे जो है हमारी जेनेटिक एल्गोरिद्म इंस्पायर्ड है और यही वो की टर्म्स हैं जो कि टेक्निकल टर्म्स में मशीन लर्निंग के टर्म्स में आपको जेनेटिक एलगोरिदम समझने में यूज़ करने में जो है हेल्प करेंगे अब ये एल्गोरिद्म वर्क कैसे करती है अब मैंने आपको इसका बेसिक ओवरव्यू बता दिया कि जेनेटिक एल्गोरिथम होती क्या है अब ये जो है बेसिकली कुछ रैंडम सॉल्यूशंस के बंचज़ को ग्रुप्स को जो है जनरेट करती है और उन जो रैंडमली सॉल्यूशंस जो जनरेट किए हैं हमारी एल्गोरिदम ने उनको जो है टेस्ट करती है अब टेस्ट करने का मीनिंग है उनके जो स्कोर्स होते हैं यानी कि सपोज हमारे पास कुछ डेटा पॉइंट्स है कुछ डेटा सेट के अंदर से उनके जो है वो रैंडम सॉल्यूशंस को पिकअप करेगी और उनको टेस्ट करेगी टेस्ट करने का मीनिंग है उन डेटा पॉइंट्स के फ़िटनेस को वो कैलकुलेट करेगी या फिर फिटनेस स्कोर को वो कैलकुलेट करेगी तो जो भी हमारे रैंडम सोल्यूशन हमारी एल्गोरिदम ने हमारी मशीन ने पिक किए उनका जो है वो फ़िटनेस स्कोर कैलकुलेट करती है कि कितना इजीली कितना अच्छे से कितना एफिशिएंटली वो डेटा पॉइंट्स हमारे आउटपुट को जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ से जो है हमारा फिटनेस स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है अब जो हमारे बेस्ट सॉल्यूशंस मिले यानी कि जिनका फिटनेस स्कोर सबसे अच्छा रहा उन डेटा पॉइंट्स में उन बेस्ट सॉल्यूशंस को जो है हमारी एल्गोदम कंबाइन करती है और एक नया सॉल्यूशन जनरेट करती है अब यहाँ पे एक एग्जांपल गिवन है जस्ट लाइक हाउ ए बेबी इन्ेरिट ट्रेड्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स यानी कि जिस तरीके से एक न्यू बॉर्न बेबी या फिर एक बेबी जो है वो क्या करता है अपने पेरेंट्स से जो है अपने ट्रेड्स को इनहेरिट करता है या फिर फीचर्स को इनहेरिट करता है तो यहाँ पे क्या हो रहा है नेचुरल सेलेक्शन हो रहे हैं जो कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में यूज़ होते हैं और अब वो अपने पेरेंट्स से ट्रेड्स को इनहेरिट करते हैं सेम चीज़ हमारी जेनेटिक एल्गोरिदम में यूज़ होगी और ये प्रोसेस जो है हमारा जब तक रिपीट होता रहेगा जब तक हमें बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल जाता तो जहाँ पे भी हमें हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोड्यूस करने होंगे जहाँ पे हमें ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का ध्यान रखना है सर्च प्रॉब्लम का ध्यान रखना है वहाँ पे जो है हम जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं अब ये सॉल्यूशंस हमारे हाई क्वालिटी क्यों होंगे क्योंकि यहाँ पे जो है हम हमारे डेटा पॉइंट से जो हमें आउटपुट मिल रहा है उन आउटपुट मिल रहे पॉइंट्स का भी जो हम फिटनेस स्कोर कैलकुलेट कर रहे हैं और बेस्ट फिटेस्ट इंडिविजुअल को जो है हम हमारे नेक्स्ट सॉल्यूशन के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो बेस्ट फ्रॉम द बेस्ट अगर वो सेग्रीगेट हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें हाई क्वालिटी सॉल्यूशन मिलेगा और ये जो हमारी जेनेटिक एल्गोरिथम है ये हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जहाँ पे भी होगी यानी कि वो प्रॉब्लम जहाँ पे हमें टाइम और मेमोरी दोनों की रिसोर्सेस की कम ज़रूरत पड़े और बेस्ट सॉल्यूशन मिले वहाँ पे जो है हम हमारी जेनेटिक एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं और कुछ सर्च प्रॉब्लम जैसे कि आपने डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर ह्यूरिस्टिक सर्च नाम की एक प्रॉब्लम के बारे में सुना होगा तो ह्यूरिस्टिक सर्च जो हमारी एल्गोरिदम है ह्यूरिस्टिक सर्च से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी वो हमारी जेनेटिक एलगोरिदम से सॉल्व की जा सकती हैं अब यहाँ पे जो है वो बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का रिप्रोडक्शन का जिसको हम जेनेटिक एल्गोरिदम में एज ए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यूज़ करते हैं अब यहाँ पे आप देखेंगे इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तो ये जो लाइन है ये बेसिकली बायोलॉजिकल इवोल्यूशन से रिलेट करती है और यहाँ पे जो है हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझेंगे किस तरीके से वो नेचुरल बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं हमारी जेनेटिक एल्गोरिदम के अंदर वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे दो पेरेंट्स हैं पेरेंट वन एंड पेरेंट टू अब ये दोनों पेरेंट्स जो हैं हमारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हमारे न्यू इवोल्यूशन को या फिर मैं बोल सकता हूँ एक नए ऑफ स्प्रिंग को जनरेट करने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एट वो ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं आप बोल सकते हैं यहाँ पे बिकॉज मैं टेक्निकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ तो इन ए बी सी डी ई एफ जी एच जो हमारे बायोलॉजिकल टर्म है यहाँ पे इनको जो है मैं एज ए यहाँ पे डेटा पॉइंट ट्रीट करूँगा बिकॉज हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं तो ये जो हमारे एट डेटा पॉइंट्स हैं दोनों पेरेंट्स के अंदर पेरेंट वन के अंदर ए से लेके एच तक और पेरेंट टू के अंदर ए से लेके एच तक अब आप देखेंगे इन दोनों जो पेरेंट्स के डेटा पॉइंट्स हैं, इनकी पोजीशंस जो है अलग अलग हैं, इनकी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो है अलग अलग पोजीशन पे है तो इस पेरेंट वन के जो जितने भी हमारे डेटा पॉइंट्स थे ए बी सी डी ई एफ जी और एच तो ये जो आठों हमारे डेटा पॉइंट्स हैं इन डेटा पॉइंट्स को हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने पिकअप किया और इनका जो है फ़िटनेस स्कोर कैलकुलेट किया अब फ़िटनेस स्कोर जो कैलकुलेट हुआ तो इसे पता चला कि ये जो हमारे चार डेटा पॉइंट्स है बी सी डी ई इनका जो है हमारा बेस्ट फिटेस्ट स्कोर जो है वो अवेलेबल है तो ये जो है हमारे बेस्ट सोल्यूशन है पेरेंट वन की तरफ से इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पेरेंट टू के अंदर से भी जो है हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ने कुछ बेस्ट डेटा पॉइंट्स जिनका फिटेस्ट स्कोर अच्छा था उनको पिकअप किया अब ये दोनों जो हमारे बेस्ट सॉल्यूशन है ये दोनों यहाँ पे कंबाइन हो जाएंगे और एक नया ऑफस्प्रिंग जो है जनरेट होगा यानी कि एक नया सॉल्यूशन जो है जनरेट होगा जैसे कि ह्यूमंस के अंदर एक नया बेबी जनरेट होता है एक नया बेबी प्रोड्यूस होता है तो बायोलॉजिकल टर्म से रिलेटेड है मैं इसलिए यहाँ पे बार बार रिप्रोडक्शन इवोल्यूशन बेबी पेरेंट्स इन टर्म्स का यूज़ कर रहा हूँ बट अगर टेक्निकल टर्म्स की बात करें तो पेरेंट वन पेरेंट टू की बजाय हम बोलेंगे क्लास वन क्लास टू और ये जो हमारे यहाँ पर डेटा पॉइंट्स है ये जो है टेक्निकल टर्म्स में हमारे कहलाएंगे डेटा पॉइंट्स या फिर डेटा और ये जो बेस्ट फिटेस्ट स्कोर इनमें होगा हमारे डेटा पॉइंट्स का वो कंबाइन हो एक नया ऑफ स्प्रिंग जनरेट करेंगे जो कि हमारा बेस्ट सॉल्यूशन होगा अब ये बेस्ट सॉल्यूशन क्यों होगा क्योंकि हमने रैंडमली हमारे डेटा पॉइंट्स को पिक नहीं किया जो हमारे डेटा पॉइंट्स हमने पिक किए उसके अंदर से भी जो है हमने बेस्ट फिटेस्ट स्कोर वाले इंडिविजुअल्स को पिकअप किया अब ये जो जेनेटिक एल्गोरिथम है इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि यहाँ पे आपको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इनिशियलाइजेशन जिसके अंदर हम हमारी क्लासेस को हमारे डेटा पॉइंट्स को इनिशियलाइज़ करते हैं सेकेंड आता है फिटेस्ट असाइनमेंट अब फिटेस्ट असाइनमेंट के अंदर क्या होता है जो भी हमारी एल्गोरिथम ने रैंडम पॉइंट्स को पिकअप किया उनका जो है फिटनेस स्कोर वो कैलकुलेट करता है थर्ड प्रोसेस आता है आपका सिलेक्शन का कि जो भी आपके फिटेस्ट स्कोर इंडिविजुअल सेलेक्ट किए गए या फिर जिनका स्कोर अच्छा रहा फिटनेस स्कोर हमारे डेटा पॉइंट्स के अंदर से उनको वो सिलेक्ट करें हमारी एल्गोरिदम उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन अब रिप्रोडक्शन में क्या होगा जो भी हमारे दो क्लासेस से दो पेरेंट्स से हमारे जो बेस्ट इंडिविजुअल्स हैं जिनका फिटनेस स्कोर अच्छा था जिनका फिटनेस स्कोरस ज़्यादा था उनको जो हम रिप्रोड्यूस करेंगे रिप्रोड्यूस करने का मीनिंग है उनको हम कंबाइन करेंगे और एक नया सॉल्यूशन जनरेट करेंगे और जब वो नया सॉल्यूशन जनरेट हो जाएगा तो हम हमारी एल्गोरिजम को टर्मिनेट कर देंगे इस तरीके से इन पांच स्टेप्स में जो है हमारी जेनेटिक एल्गोरिज्म काम करती है थैंक यू